ओके सो इन द लास्ट सेक्शन हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, आपने कैटेगरीज देख लिए थे, सेवन पार्ट में सारी चीज खत्म कर दी थी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर विद टैक्सोनॉमिकल एग्स, राइट। टैक्सोनॉमिकल एग्स देखो, टैक्सोनॉमी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है, क्या करना है, पूरी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किस तरीके से करना है या इवोल्यूशनरी करना है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं बेटा। टैक्सोनॉमिकल एग्स है कि इस स्टडी को पढ़ने में, यानी कि टैक्सोनॉमी को स्टडी करने में जो आपकी मदद करने वाले हैं, इसके अंदर आते हैं आपके पास टैक्सोनॉमिकल एग्स। वैसे काम तो इसमें वही है कि आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर रखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, बट इसे थोड़ा सा अलग तरीके से और भी काम करेंगे, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कि इसका फायदा क्या है, तो दे आर हेल्पफुल इन फ्यूचर स्टडी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसमें आएगा, फ्यूचर स्टडी में बहुत आराम से आपको चीजें मिल जाएंगी। कई बार क्या मिलेगा आपको कि इसके टाइप्स जो है वो क्या क्या है, ये आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो आपके पास आता है बेटा वो है हर्बेरियम। क्या आता है? हर्बेरियम। सबसे पहला क्या है बेटा? हर्बेरियम, ठीक है। देखो हर्बेरियम की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या होता है कि जो प्लांट की स्पीशीज है बेसिकली उनको ड्राई कलेक्ट, इन सब अभी इनके तरीके लिखवाता हूँ मैं तुम्हें, क्या करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से इसका एक सीरीज है, सिक्वेंस जो हम लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद हम लोग हर्बेरियम बनाते हैं। हर्बेरियम आपको क्विक रेफरेंस, इट इज द सोर्स ऑफ क्विक रेफरेंस, या क्विक सोर्स बोल दो, इट सर्व्स एज द क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि आपको तुरंत कोई चीज चाहिए आप एक हर्बेरियम में जाओ, उस पौधे के बारे में आपको वहां पे मिल जाएगा। होता क्या है हर्बेरियम में, देखो एक्चुअल में आपके पास एक हर्बेरियम शीट होती है। क्या होती है बेटा? एक हर्बेरियम शीट होती है और इसका साइज फिक्स रहता है। वैसे जो इसका साइज सेंटीमीटर में रहता है वो रहता है 41 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ वर्सेस ब्रेड्थ, जो आपके पास 41 सेंटीमीटर, ये इंटरनेशनल जो हर्बेरियम शीट है उसका साइज है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो रहता है 16 1/2 इंचेस में इंटू 11 1/2 ये इंचेस में, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मतलब इतना ही आसपास, ठीक है। तो आपके पास जो है इसका ये साइज रहता है, ठीक है, हर्बेरियम शीट का। अब इसमें करते क्या है, जो आप लोगों ने प्लांट वगैरह लिया ना उसको इस पे लगाते हैं हर्बेरियम शीट पर, और उसके अलावा क्या क्या करेंगे स्टेप वाइज वो देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज, यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में एक लेबल लगा होता है और इस लेबल का साइज होता है 7 1/2, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है पता रहनी चाहिए कि आपके पास इसमें क्या क्या चीजें रहती है। वेल अगर मैं बात करता हूं इस हर्बेरियम शीट की, तो इसके स्टेप्स फॉलो क्या, इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है अपना, आप लोग कुछ बना सकते हो, सी डी पी एम से ला दे, ये सीढ़ी है हमारे पास, कुछ खुफिया जानकारी होगी वो पीएम भाई साहब के पास है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, उससे ला दे, सी डी पी एम से ला दे, तो कुछ बना देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा बेकार था निमोनिक्स। वे इसमें जो हमारे पास सबसे पहला है बेटा कलेक्शन, सीज किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कलेक्शन। कलेक्शन में क्या है कि आप लोग जब कहीं पे जाएंगे और आपको वहां पे प्लांट मिल गया तो आप क्या करेंगे, उसका जो पार्ट है उसको ले लेंगे। याद रहे वुडी जितने ही पार्ट रहेंगे बड़े बड़े, उनके कुछ अच्छे से वो वाले पौधे लोगे, उनका वो टहनी उठाओगे जिसमें आपके पास इन्फेक्टेड प्लांट ना हो, इन्फेक्टेड लीव्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फ्रेश सैंपल लो। इनफ्लोरेसेंस उसमें जो खिले हुए हैं फूल बहुत अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। तो कलेक्शन में ये सारी चीजें आती है कि आपको क्या क्या चीज कलेक्ट करनी है और क्या डिस्कार्ड करना, ठीक है। कलेक्शन के बाद आता है बेटा आपका फिर ड्राइंग, क्या आता है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या करते हैं, जो आपने कलेक्ट किया है उसके बाद उसे ड्राई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। सुखाते किसमें, जो आपके पास न्यूज़पेपर के वो आता है फोल्ड, उसी के एक न्यूज़पेपर आता है और उसी का फोल्डर होता है, उसी में आप करके उसे सुखा के आराम से उसे सुखाते हो, ठीक है। और उसके बाद उसे करते हो प्रेसिंग, क्या करते हैं उसकी प्रेसिंग, ड्राइंग के बाद क्या करते हैं आप उसकी प्रेस, एम से आपके पास होता है माउंटिंग, और माउंटिंग में क्या करते हैं हम उसको ग्लू वगैरह से लगा के फिक्स वगैरह करते हैं, ठीक है। प्रेसिंग मतलब वो प्रेस करने वाला समझ लो, है ना, जिससे स्ट्रेट हो जाए। फिर आता है हमारे पास स्टिचिंग, स्टिचिंग मतलब आपने यहाँ पे जो है ग्लू से लगा दिए बट उसकी टहनी वगैरह उसकी स्टिच करते हैं, सिलते हैं, ठीक है, मतलब सिलना था एक धागे को लगा के हम लोग उसे बांध देते हैं ताकि वो बिल्कुल बहुत अच्छे से फिक्स हो। फिर करते हैं उसकी लेबलिंग, लेबलिंग और लास्ट में करते हैं हम डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब जिस हर्बेरियम में आपको देना है वहां जाकर डिपोजिट कर दो, बट उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ता है, उसको एक अरेंजमेंट
में नाम लिखना पड़ता है सबको कि तुमने भाई कौन सा जीनस है, कौन सा क्या है, ये सब चीजें आपको उसकी लिखनी पड़ती है। और वो सिस्टम अलग अलग सिस्टम, लिनियर सिस्टम है ना, हेकल सिस्टम है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम है। तो इंडिया में जो फॉलो होता है कौन सा है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम। जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं समय पर, नाम जो हमारे पास यूज करते हैं कौन सिस्टम यूज करते हैं, बेंथम एंड हुकर सिस्टम। इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये सारी चीज को भरते हैं। अभी जो राइट हैंड कॉलम है इसमें क्या होता है, आपने कौन सा प्लांट लिया था, किसने लिया था, नेम ऑफ द ऑब्जर्वर या जिसने भी आपको निकाला है। इसके अलावा आपने कहां से उठाया है, एरिया कहां से है। इसके अलावा आपका उस जगह पर उसका लोकल नाम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है ना, साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों को रखी जाती है। सर लेबलिंग में साइंटिफिक नेम देते थे या लेबलिंग में तो हमारे पास बताया जाता है कि कौन सी जीनस है, कौन से क्या है, ये सब चीज बता देते हैं। डिपॉजिट करते समय हम उसको दिखेंगे ना, तब आप पूरे इन्फॉर्मेशन। तो इसका भी मतलब अलग ही कोर्स होता है। नहीं, आप जब बीएससी कर रहे होगे तो एक किसी सेमेस्टर में कराते हैं, आई डोंट नो कौन सा सेमेस्टर का, बट कराते हैं। बीएससी करे हुए तो 5 साल हो। सो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास ये काम हो गया। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बचती है अल्बेरियम की, कहाँ पर था मैं, यहाँ पर कि बेंथमैन होकर सिस्टम के साथ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दी, सबमिशन कर दिया। अब इसके बाद एक छोटा सा पाउच भी आपको मिलता है, एक एनवेलप वगैरह होता है। तो क्या होता है, कई बार इसके कुछ फॉलन पार्ट्स होते हैं या सीड्स वगैरह होते हैं, तो आपके एक छोटा सा साइड में क्या होता है, पाउच वगैरह मिलता है। उसमें इसी के साथ हम लोग जो है स्टेपल स्टेपल जब नहीं करते हैं स्टेच पर इसी के साथ पेस्ट कर देते हैं, जिसमें आप उसमें सीड्स रख देंगे उससे रिलेटेड है ना, या उसका कोई इंफ्लोरेसेंस या कोई टूटा हुआ पार्ट वैसा रख देते हैं, ताकि वो भी एक क्विक क्विक रेफरेंस की तरह जो है सर्व करते हैं। राइट, सो दे आर मेनी गुड बोटेनिकल गार्डन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास है वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इन लंदन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहां पर है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये इस गार्डन के अंदर हरवेली, ये गार्डन तो बहुत बड़ा है, ये लंदन में एक जगह है क्यों वहां पर, ठीक है, और उसके अंदर हरवेलियम, मतलब एक बोटेनिकल गार्डन है उसके अंदर हरवेलियम, ठीक है। हरवेलियम तो छोटे मोटे भी हो सकते हैं, दो टाइप के हरवेलियम होते हैं, एक जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी वगैरह में या कॉलेज वगैरह में एडुकेशन पर्पस के लिए रखे जाते हैं, और एक जो बिल्कुल बड़े लेवल पे करे जाते हैं जैसे ये वाला, ठीक है। There can be two types of herbarium. इसके अलावा जो आपके पास एक और है जो कोई इसी नाम से रॉयल बोटेनिकल गार्डन, वो एडिनबर्ग में है। एडिनबर्ग कहाँ पर है, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग, ठीक है। इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो है आपका लॉयर्ड बोटेनिकल गार्डन जो कि आपका दार्जिलिंग में है, लेकिन तो बोटेनिकल गार्डन है बेटा। अगर मैं बात करूंगा हर्बेरियम की, तो हर्बेरियम तो एक तो लखनऊ में है, तो लखनऊ वाले का नाम आपकी एनसीईआरटी में शायद दे रखा है, एनबीआरआई नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पर है। और एक है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये कलकत्ता में, जो हमारे को हर्बेरियम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। और एक और जो मैंने लिख रखा है बेटा, वो है हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये एनसीईआरटी में नहीं है दोनों भाग, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास मेजर हर्बेरियम है जो आप लोगों को देखा जाएगा। Well, coming to the next point, अगर हम लोग बात करते हैं, it is museum. अच्छा, यहाँ पे जब डिपॉजिशन होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो हम लोग पॉइजनिंग करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही थी, पी से पॉइजनिंग कर लेते हैं, ड्राइंग प्रेसिंग एक साथ ही आता है, नहीं कहता कुछ चीज मिसिंग हो। पॉइजनिंग में क्या करते हैं कि हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उस पत्ते को बचाने के लिए, या फिर जो आपके पास कीड़ा लगा काट ले उसको, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं HgCl2, ठीक है। और अब टाइम टू टाइम ऑब्वियसली बात है, बाद में भी इसमें कीड़े लग सकते हैं, कि पत्ते ही तो है। मेजरली जो इन पे इंसेक्ट अटैक करती है कौन से, सिल्वर फिश कॉन्टेक्ट करता है इस पे, सिल्वर फिश। और इस चीज से बचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का या फिर डीडीटी का, इनका इस्तेमाल टाइम टाइम पे 4-6 महीने में एक बार होता रहता है। दिस इज हाउ हर्बेरियम के बारे में आप लोगों से, इससे ज्यादा वीडियो में नहीं पूछ जाएगा नीट के एग्जाम में भी, तो हर्बेरियम यहाँ पे इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग म्यूजियम, म्यूजियम की बात करते हैं, तो बेटा म्यूजियम में प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन। प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज मर गया है
उसके बाद आप लोग उसे रख रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रिजर्व करने के लिए आपके पास जो नॉर्मली केमिकल होता है फॉर्मेलिन में रखा जाता है, फॉर्मेलिन, ठीक है। अब इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, दोनों की स्पीशीज रखी जा सकती है, है ना। स्टफिंग करके बर्ड्स की रख देते हैं, बर्ड्स को स्टफ किया जाता है, ऐसे कबूतर वगैरह हो गए उनकी स्टफिंग करी जाती है, उसको रखा जाता है। तो म्यूजियम में आपको कोई भी लाइव चीज नहीं मिलेगी, वहां पे सारी क्या होंगे, सारी डेड। तो वो प्रिजर्व करके रखे, जैसे उनके बोन्स वगैरह के स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे वो आपको दिख जाएगा, राइट। न्यू दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है वो आपको जाके विजिट करना चाहिए, आप दिल्ली में रहते तो इस चीज का एडवांटेज आपको लेना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के पास अच्छा म्यूजियम है, ठीक है। सो यहाँ पे देखा हुआ है, तो म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ स्मॉल बर्ड। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यही है कि स्पेसिमेंस दे आर प्रिजर्व इन जार्स एंड सॉल्यूशन, मैंने आपको बता दिया, जनरली फॉर्मेलिन का रखा रहता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास दो चीज आती है, एक होती है इनसीटू और एक होती है एक्सीटू। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, कौन कौन सी होती है, एक होती है इनसीटू कंजर्वेशन और एक होती है एक्सीटू कंजर्वेशन। तो बेटा इनसीटू का मतलब होता है कि आप लोग किसी भी जानवर या पौधे को जहां पर वो पाया जाता है ना वहीं पे पाल रहे हो, उसी के नेचुरल एनवायरमेंट में उसे पाल रहे हो, जहां पे उसकी जो लोकल जोन है उसी में पाल रहे हो, तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। बट आप क्या कर रहे हो, उसे वहां से हटाकर कहीं और लेके जा रहे हो, वहां पे ग्रो कर रहे हो, लेकिन ग्रो करने के बाद भी नेचुरल उसका हैबिटेट तो वो नहीं है ना। हाँ ठीक है, बाहर वहां अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, बट स्टिल वो नेचुरल तो नहीं है, बाहर लेके गए, इसलिए ऐसी कंजर्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास रहता है। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो है जूलॉजिकल पार्क, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जूलॉजिकल पार्क यूपी का वेरी अलोयर जू, जब ये दोनों आ सकते हैं बेटा, जो बोटेनिकल गार्डन जितने भी होते हैं बेटा, ये आपके पास ये इंस्टीट्यूट है, बोटेनिकल गार्डन सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पे अगर नेचुरल प्लांट ग्रो कर रहे हैं, बट अगर आप कोई दूसरा प्लांट उठा के लेके चले गए वहां पे ग्रो करते हैं वो एक्सीटू कंजर्वेशन में। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक फॉरेस्ट है, अगर उसकी प्लांट की बात करूँ तो जो फॉरेस्ट के नेटिव प्लांट है वो सारे इंसिटू के हैं, लेकिन मैं बाहर से कोई एक दूसरा स्पीशीज लाकर उसमें लगा देता हूँ कि ये भी अच्छे खिल रहे हैं, वो जो पहले के प्लांट है वो तो इंसिटू होंगे, लेकिन जो दूसरा पौधा मैंने यहाँ लगाया बाहर वाला वो एक्सीटू हो जाएगा। एनिमल्स का एग्जाम्पल लेते हैं जूलॉजिकल पार्क। अब जू में क्या करते हैं हम लोग, ये तो करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा के उन्हें पिंजरे में डाल देते हैं। दिल्ली का जो जू है ये एशिया का फेमस जू है, जो आपके आप प्रगति मैदान में है, ठीक है। लास्ट ईयर में ट्रिप लेके गया था, लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना सब कुछ बंद था, मतलब कोरोना से पहले वाले साल। सो यहाँ पर देखते हैं अभी टाइम मिलेगा तो। सो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जू इन एशिया, ठीक है। तो अच्छे हैं, जानवर भी ठीक ठाक दिख जाते हैं उसमें, है ना। बट दिक्कत क्या है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है ना बेटा। यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, दैट्स ओके, बट स्टिल दे आर नॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनको तो आप लोग उठा के लेके आए हो कहीं बाहर पे हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी कंजर्वेशन होगी हमारे पास, एक्सीटू कंजर्वेशन या एक्सीटू प्रिजर्वेशन, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास की, पर की से चलो की कर लेते हैं। देखो की बहुत ध्यान से समझो, एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोगों के पास दे आर जनरली एक एनसीईआरटी में लास्ट में की लाइन के दे आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। पहले तो इस लाइन को समझ लेते हैं और उसके बाद में आपको मतलब बताऊं। देखो एनालिटिकल होता है कि आपके पास किसी चीज का मतलब आप उसको देखकर लॉजिक से लगा रहे हैं, लॉजिक से जब किसी चीज का मतलब निकाल जाएगा तो वो आएगा एनालिटिकल इन नेचर। अब यहाँ पे दो चार बड़े वैसे टर्म यूज कर रखी है, कपलेट और लेड, अलग अलग ऐसी टर्म्स यूज कर रखी है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो ऐसे समझिए कि की बहुत ही आसान तरीका बता देती है किसी चीज को स्टडी करने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेल प्लांट और एनिमल के बीच में अगर डिफरेंस करता हूँ तो फिर मेरे पास आएगा एक सेल वॉल, मतलब प्रेजेंट सेल वॉल, प्रेजेंट सेल वॉल प्रेजेंट, और दूसरा आएगा सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। अब अगर मैंने कोई प्लांट की सेल लिया, ठीक है, उसमें सेल वॉल होगी और एनिमल सेल में आपको पता है सेल वॉल नहीं होती। अब यहां पर क्या है, तो स्टेटमेंट है, ये तो स्टेटमेंट है। अब ये जो स्टेटमेंट है इनको हम लोग कहते हैं कपलेट, कपल में इसके कपलेट, कपल मतलब एक साथ है, वो वाले कपल नहीं बेटा, ये वाले कपल साथ में है ना, मतलब आप यहां पे दोनों चीजों को साथ पढ़ोगे ना तो ये आपके पास क्या रहेगा, कपलेट। और ये जो कपलेट है इसमें से जो एक पार्ट जब से इसे पढ़ोगे
ईच कपलेट इज कॉल्ड लेंड। एक पार्ट को आप क्या पढ़ेंगे इसे लेंड। ठीक है, अब यहां पे आपके पास एक एक्सेप्टेंस होगा, दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर आपने अगर प्लांट सेल लिया है, आपने एक ऐसा लगाया जिसमें उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ये यस और एक नो, ये दो आंसर है बस। अब प्लांट सेल बनाया तो ऑब्वियसली बात है वो यस हो गया, इसकी एक्सेप्टेंस इसकी रिजेक्टेंस है ना। और मान के चलो आपने ऐसा कोई जानवर ले लिया, ठीक है, अब होता क्या है कि इसको स्टडी करना और लेवल बढ़ते जाएंगे ना। आपने जानवर ले लिया सपोज करो, और जिसके पास हेयर थे, जानवर था जिसके पास हेयर थे, बट हाँ अब उसके पास आप क्या कैटेगरी रखोगे, प्रेजेंस ऑफ हेयर और एब्सेंस ऑफ हेयर, ये क्या होगा इसके कपलेट, ये कपलेट हो गए। लेकिन आपने देखा कि उसके पास जो बॉडी थी जो आपने जानवर दिया मुझे नहीं पता, या आगे देखते हैं कैसे, आपने देखा कि उसका प्रेजेंस ऑफ हेयर, तो ये क्या हो गया इसका एक लेड, ये वाला लेड एक्सेप्टेड हो गया। अब इससे फिर अगली की में चलेंगे, अगली की में चलेंगे कि देख देख के लॉजिक लगा रहे हैं। अब एब्सेंस ऑफ हेयर ये वाला लेड हमारा खत्म हो गया, प्रेजेंस ऑफ हेयर का आप देखेंगे कि उसके पास जो है टाइप्स ऑफ लेग, लेग के मतलब हाँ टाइप्स ऑफ लेग कर लेते हैं, फोर या टू, मतलब फोर लेग्स या टू लेग। अब देखो ये हो सकता है कि तो यार वो हाइंड लेग फोर लेग्स ही हाइंड लेग से बदल जाते हैं, वो सेल किसके होते हैं बेटा बाल, मैमल्स के। अब मैमल में कौन सा, टाइगर भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, हमें यहां से देख के तो नहीं पता ना, बस हमें तो हमें ये पता है कि इन ईसा में जो आइडिया मिला किससे इस बाल से। फिर अगली की में जाओ, अगली की में देखो कि चार लेग थे या फिर दो लेग थे, जब इसकी तक पहुंचोगे तब तुम्हें पता पड़ जाएगा चार लेग हुए, तो इसका आंसर यस होगा ये नो होगा बेटा एक ही होगा ना। इन दोनों में आपको मैंने आपको कपल क्या बना दिया, फोर लेग्स और टू लेग्स, अब इनका आंसर क्या होगा यस और नो, तो अगर चार वाला हो तो इस पे टिक करो, हाँ मतलब यस और यस, ऐसे दोनों यस यस होगा मान लो। अगर ऑप्शन दे दिया मैंने तुम्हें तो तुम क्या करोगे, ये वाला है और ये वाला यस नो था, मतलब नहीं था ना उसके चार, मान लो तेंदुआ निकला हुआ जो जानवर तुम्हारे यहाँ पे तेंदुआ निकला, पहचान यहाँ पे तो हम नहीं पहचान सकते ना, बस हमें यहाँ पे एक ही की पता पड़ी कि इसके बाल थे बॉडी, फिर हम लोगों को अगली की निकालनी पड़ी, उस अगली की में हमें देखनी पड़ेगी नंबर ऑफ लेग्स, तो एक हमारे पास जो किया है वो चार लेग की बना रखी है, दो लेग की बना रखी, तो हम लोग कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे, ये वाली, ये वाली हटा देंगे दिख गया चार लेग, तो हम ये वाली हटा देंगे, ये वाला लेग हट जाएगा। बेसिकली इसको मतलब यस और नो नहीं होना जनरली आंसर, एक का एक्सेप्टेंस एक का रिजेक्टेंस ये बताना था, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से की का जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन दे रखा होता है, ये भी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है आइडेंटिटी कीज, एक होती है ब्रैकेट कीज, आइडेंटिटी कीज और ब्रैकेट कीज, जो मेजरली यूज करी जाती है पॉपुलरली ब्रैकेट की होती है। आइडेंटिटी कीज जनरली क्लासिफिकेशन के अंदर भी क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन करते हुए चलते हैं, और ब्रैकेट की में क्या होता है एक ही बार में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है। तो पॉपुलर ये ब्रैकेट, इसमें क्या है बहुत लंबा टाइम लग जाता है, टीडीएस और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, ब्रैकेट की में से एक बार में आसानी है, जैसे हम लोग यहां से चलते जा रहे हैं अभी ये टाइप पढ़ेंगे, इसके टाइप पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप पढ़ेंगे, तो ये आइडेंटिटी आएगा। लेकिन एक क्लासीफाई करा और उसी के हमने जो है यहीं से हमने बता दी कि सारी चीज यहीं पर लिख दी कि भाई इसका हेयर था, इसके इतने थे, इसकी मेमोरी ग्लैंड्स थे, ऐसे थे, तो सारी चीज हमारे पास ब्रैकेट की, जो पॉपुलर वाला है वो हमारे पास क्या है ब्रैकेटेड। ये भी अभी हमारे पास अगर आ गया तो जैसे इंडेंट और ब्रैकेट क्या है, टाइप्स ऑफ की है क्या है, तो आ सकता है, वरना इतना डिटेल में तो लोगों से नीट में ही पूछ जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी और ब्रैकेटेड, ठीक है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द की, समझ में आया तो की का एनालिटिकल नेचर देखो, या फिर एनसीईआरटी यहां पे बोलती है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, आइडेंटिफिकेशन हमने इसी बेस पे किया कि क्या सिमिलैरिटीज है क्या डिसिमिलैरिटीज है, and they are based on contrasting characters generally pair present in pair called couplet, ये थे contrasting character या present होगा या absent, ये contrasting character होगा, it represents the choice made between two opposite options, यही थे yes or no, दो opposite option के बीच आपको एक choice करानी है, तो उसके बाद कहता है this result in acceptance of only one and rejection of other, एक accept किया गया और दूसरा अपने आप ही reject हो गया, trial कहता है each statement in the key is called lend, मैंने आपको बता दिया separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, ये हम लोगों ने देखे जैसे genus family यहाँ पे सबका अलग अलग है ना बेटा, सब किसी के लिए अलग अलग है, so keys are generally analytical in nature, ठीक है। next topic हमारे पास जो है flora, manual, monograph,
ये सारी चीजें दी गई। देखो बेटा फ्लोरा के बारे में और मैनुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, बाकी और कोई चीज में कंफ्यूजन नहीं है। फ्लोरा के बारे में अगर आपने सुना होगा, फ्लोरा एंड फौना, ये नाइन्थ क्लास में एक इंट्रोडक्शन वर्ड आ जाता है, ज्योग्राफी भी आता है, द फ्लोरा इज ये, द फौना इज ये। तो फ्लोरा मतलब जहां पर वर्ड आएगा आपको किससे रिलेट कर रहा होगा बेटा, वो प्लांट से रिलेट कर रहा होगा। तो फ्लोरा किसके बारे में बताता है, उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट के स्पीशीज के बारे में बताता है। तो पूरे एरिया के जो प्लांट के स्पीशीज के बारे में बताएगा वो हमारे पास क्या है, फ्लोरा। और इस फ्लोरा में एक किताब जो पूछी गई है, तो फ्लोरा ऑफ डेली, किसने लिखी है, जेके माहेश्वरी, ठीक है। फ्लोरा ऑफ डेली इट वॉज रिटन बाय जेके माहेश्वरी, इन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, देखिए यहाँ पर मैनुअल्स, मैनुअल्स में क्या करता हूं, फ्लोरा में तो पूरा स्पीशीज आ जाएगा, मैनुअल्स में क्या होते हैं, जो स्पीशीज है ना उस एरिया में फाइंड होते हैं उनके नाम प्रोवाइडेड रहते हैं। यानी कि फ्लोरा में तो सारी चीजें, मतलब जितनी भी चीज मिल रही है सब कुछ वो मिल जाएंगी, लेकिन अब फ्लोरा के आप छोटी ब्रांच में जाना पड़ेगा, तो सब कुछ पढ़ लिया, इतना सब कुछ देख लिया, उसके नाम कैसे देखोगे, वो किसमें आएगा, तुम्हारे मैनुअल्स। तो मैनुअल्स प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स ऑफ स्पीशीज दैट आर फाउंड इन दैट एरिया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। मैनुअल्स के बाद आपके पास क्या आता है, कैटलॉग्स है, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ मतलब सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो किसके अंदर मिलने वाली है, आपके मोनोग्राफ। तो नाम से पता पड़ रहा है ना, मोनो मतलब सिंगल, तो जब आपके पास एक ही कैटेगरी के बारे में चीजें पाई जाने वाली हैं, जब आप सिर्फ एक ही कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, एक ही टैक्सोन के बारे में पढ़ेंगे, वो किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, मोनोग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट आपका क्या बचता है, कैटेलॉग। कैटेलॉग में क्या होता है, आपके पास एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, यानी कि पहले ए वाली स्पीशीज पढ़ोगे, फिर एक बी वाली स्पीशीज पढ़ोगे, तो इस तरीके से आपके पास एक अरेंजमेंट जो होता है वो किस बेस पे कराया जाता है, हमारे पास एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे डिक्शनरी होती है एक टाइप से, ऐसे हमारे पास स्पीशीज को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या रहती है, कैटेलॉग्स रहती है। तो दिस इज हाउ योर चैप्टर वन इज गेटिंग ओवर। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, जो भी चीजें आप लोगों को दिक्कत देती है दोबारा पूछनी है आप आराम से पूछ सकते हैं। कंटिन्यू रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना नया चैप्टर रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।